हाय एवरीवन, सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीएम्बल। ठीक है, तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ऐसे कई सारे शब्द लिखे हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये सब लिखने का क्या बात है, बराबरी का अधिकार तो सबके पास है, राइट टू लाइफ तो सबके पास है, तो फिर लिखने का क्या आवश्यकता है। लिखने का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब आज से आप 30 साल पुराना संदर्भ देखें या फिर आज का भी संदर्भ देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। भारत के कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए मौलिक अधिकारों का लिखा जाना इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मौलिक अधिकार जब लिखे जा चुके हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के अंदर में, तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करेगा। लिख तो दिया, मिल गया, ठीक है, लेकिन इनकेस अगर कोई छीनने का कोशिश करे तो, क्योंकि लोग तो लक्षण से बाज नहीं आएंगे ना, इसीलिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 का विश्लेषण किया गया है। आर्टिकल 32 क्या है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले एक लाइन जो लिख लो कहीं पे भी, तो राइट्स विदाउट रेमेडीज इज एज रिट इन वाटर। इसका मतलब है कोई भी अधिकार बिना संरक्षण के बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी में हमने कुछ लिख दिया हो, मतलब कि अर्थहीन। ठीक है, मतलब मीनिंगलेस, पर्पसलेस, निहिलिस्टिक। ठीक है, तो हम लोग अभी आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32, इट गिव्स अस द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अगर हमारा कोई सा भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी इसमें, क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। रिट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कमांड करता है किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी पर्सन को, इसलिए कि आपने इसका फंडामेंटल राइट का हनन किया है तो आपको सही से काम करना पड़ेगा अथवा आप जेल जाएंगे, चाहे आप कोई भी अथॉरिटी के हो। ठीक है, तो 5 टाइप के रिट्स होते हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेंटेरारी और प्रोहिबिशन और है को वारंटो। तो 5 टाइप का रिट्स है हमारे पास। ठीक है, डिपेंडेंट कि आपका कौन सा टाइप का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। तो सबसे पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि अगर किसी भी टाइप का इलीगल डिटेंशन हुआ हो। इलीगल डिटेंशन का मतलब क्या है कि आर्टिकल 22 के तहत, उसमें 7 क्लॉज है, उसका ये कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला गया है तो सबसे पहले पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना होगा कि तुमको किस रीज़न के वजह से जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, और 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट के सामने उसको पेशी देना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस ऐसा काम नहीं करती है तो जो व्यक्ति जिसको जेल में डाला गया है वो रिट पिटीशन जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, एक याचिका जारी करके। ठीक है, वो या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स भी सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस के थ्रू पुलिस को ये ऑर्डर देगी, कमांड देगी कि इसको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। ठीक है, इससे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स बचा ना, आर्टिकल 22 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, जहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल डिटेंशन है, तो बच गया हम लोग का फंडामेंटल राइट, पहला ख़त्म। अब दूसरा का बात करते हैं। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड, पब्लिक ऑफिशियल इज़ नॉट डूइंग द ड्यूटी। अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि हम लोग पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, अगर उनमें से कोई भी अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी कर सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं, ये बोल करके कि इसने मेरा फंडामेंटल राइट का हनन किया है। अब आप सोचोगे कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे कहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का हनन होता है। अब चलो मान लेते हैं आर्टिकल 19 कैसे। तो पहली बात तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, माने आप कोई सा भी राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, मतलब कि आप कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप दारू का ठेका खोलना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कहाँ जाओगे? आप जाओगे कोई ना कोई सरकारी दफ्तर में कि मेरा दारू का ठेका खुलना है, तो आप इसको साइन करके दे दो। अगर वो आपका साइन कर ही नहीं रहा है, लेट पे लेट लगाया जा रहा है, तो ये क्या है, आपको अपना ऑक्यूपेशन करने से, आपका अपना प्रोफेशन चुनने से आपको रोका जा रहा है, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट को प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसीलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैंडमस।
और सुप्रीम कोर्ट मैंडमस के थ्रू उसको रिट पिटीशन रिट जो है जारी करेगा और कमांड करेगा कि जल्दी से जल्दी काम करे, वरना आप समझ गए। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है कि मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, जुवेनाइल है, मतलब कि 18 साल से छोटा है, और उसको जो है जेल में डाल दिया है, मतलब हाई कोर्ट का बदमाशी है या फिर कुछ सा भी है, एडवेंचरिस्टिक हो रहा है वो, तो उससे क्या होगा ना कि जो भी बच्चा है उसका आर्टिकल 14 वायलेट रहा है, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि बाकी सारे जुबिनाइल्स को क्या है कि जुबिनाइल कोर्ट ही उसको हैंडल करेगा, लेकिन अगर कोर्ट उसको अनऑथराइजिंगली हैंडल कर रहा है और उस पर केस भी चढ़ा रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपना फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगी जिसका नाम होगा प्रोहिबिशन, और उस रिट जारी करके वो लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर करेगी कि आप अपने हद में काम करें, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आता है चौथा, सेंटियोरारी। सेंटियोरारी का क्या अर्थ है? तो सेंटियोरारी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आप मान लो कि ये जुबिनाइल वाला केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इलीगल था क्योंकि बच्चा तो जुबिनाइल है, तो वो क्या करेगा कि उसमें अगर उसका कुछ क्या बोलते हैं कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि वो बच्चा को जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसका जो प्रोसीडिंग चला है वो पूरा प्रोसीडिंग तो इलीगल है क्योंकि बच्चा जुबिनाइल था, जुबिनाइल कोर्ट में उसका डिसीजन होना था, जुबिनाइल ले करके उसका डिसीजन होना था, लेकिन पूरा का पूरा डिसीजन अब इलीगल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि वो पूरे डिसीजन को स्क्वैश कर देगी और फिर से नया प्रोसीडिंग्स चालू करेगी एज पर उसका जुबिनलिज्म के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंटियोरारी। अब अंततः आता है को वारंटो, ठीक है। तो को वारंटो में क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो जबरदस्ती का ऑफिस होल्ड कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि जैसा का नाम सुना होगा, अमित शाह का बेटा है जैसा, वो BCCI में चेयरपर्सन है, ठीक है। तो उसको किस बिना पे वो पोजीशन मिला है, इसमें तो राइट टू इक्वालिटी भी हनन हो रहा है क्योंकि आपको आपको क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है ना, ये आर्टिकल 16 है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है सबको, कि अगर पटवारी का एग्जाम निकल रहा है तो सबको समान अधिकार है पेपर देने का, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं निकाल रहे हैं और आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स का हनन के लिए, ठीक है। ये है 5 रिट्स। और एक और बात यह है कि अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट नहीं भी हुआ है और आप फिर भी कोई रिट जारी करवाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आर्टिकल 32 यहीं पे समाप्त होता है, किसी भी टाइप का डाउट हो।